हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है कनिष्क चौहान, आप देख रहे हैं मुझे कनिष्क हियर यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक सीधे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल है, पर लोगों ने उसको पता नहीं क्या बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड इतना कि हद से ज़्यादा बना दिया है। अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस चीज़ के बारे में, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और टॉपिक का नाम है मेडिटेशन, हाउ टू डू मेडिटेशन, और मैंने कैसे सीखा, कहाँ सीखा, मैं आपको चल के आगे बता ही दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक बेसिक सा स्टेप मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन में जाने का, और बड़ा ही हल्का, और कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, मैं खुद सब, मेरे पास कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, सब मैं अपने खुद के बेसिक एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर रखा था अच्छा है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन पर, बेल आइकन जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। ओके, तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन, ये है क्या मेडिटेशन? सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है जानना मेडिटेशन करने से पहले कि मेडिटेशन है क्या। इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट इज़ मेडिटेशन, देन आप नहीं कर सकते मेडिटेशन प्रॉपरली। तो मेडिटेशन है क्या, इस पे बात करें। क्या एक सुखासना में बैठकर, और सुखासना में बैठकर या लोटस पोजिशन में बैठकर, और किसी भी पोजिशन में बैठकर, या बैकबोन सीधी करके, आँख बंद करके लाइट देखना मेडिटेशन है? क्या खुद को जानना मेडिटेशन है? क्या मेडिटेशन है, ये बताओ पहले। ये डेफिनेशन सबकी अलग अलग हैं, सबके खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, कोई मैं गलत किसी को नहीं ठहरा रहा हूँ यहाँ पर, सब अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं। पर मेरे जो एक्सपीरियंस है वो थोड़े से इनसे अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट है। जितने कॉम्प्लिकेटेड इनके लिए थे, वो मेरे लिए थोड़ा आसान है। तो हम ऐसी मेडिटेशन पे बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन हमें किस स्टेट में करना चाहिए, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। वेदर वी आर इन अ मेट्रो, और वी आर इन अ फार्म, और वी आर इन अ वेयर एवर वी आर, हम कहीं पे भी हैं, किसी भी टाइम, किसी जगह, किसी भी पोजीशन में मेडिटेशन कर सकते हैं। एक ये बात आप क्लियर कर लो, ओके? और स्टार्टिंग में बेसिक्स क्लियर करने के लिए मेडिटेशन की आपको थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप बाहर भी जाके मेडिटेशन कर सको, ओके? स्टार्टिंग में ही आप मेट्रो में बैठ के मेडिटेशन करोगे, या रोड पे ट्रैफिक जाम से मेडिटेशन करोगे, तो आपका दिमाग फट जाएगा, सोचेगा आप ये हो क्या रहा है, ओके? तो मेडिटेशन के मैं बेसिक से स्टेप्स बताता हूँ, ओके? तो पहले बताते हैं मेडिटेशन है क्या। द साउंड ऑफ साइलेंस इज अ मेडिटेशन। जहाँ पे साउंड नहीं है पर वहाँ से भी आकर आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है, दैट इज़ मेडिटेशन। टू नो योर सेल्फ इज़ मेडिटेशन। मेरे लिए एक क्वेश्चन है, मैं उसी पे वर्क करता रहता हूँ, मेरे लिए वही मेडिटेशन है। हु एम आई इज़ मेडिटेशन फॉर मी। इस पे सर्च करना मेरे लिए मेडिटेशन है। इस पे सर्च करने के लिए आपको आइए बताओ कौन सी पोजिशन चाहिए। यू डोंट नीड एनी पोजिशन, आपको कोई भी पोजिशन नहीं चाहिए इस काम को करने के लिए, ओके? तो मैं आपको सिंपल सी बात बताने वाला हूँ, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए वीडियो को, लास्ट तक का देखिएगा, स्किप मत करिएगा, हल्की सी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ओके? तो ये जो है मेडिटेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ, तो ये हम किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, पर पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लो, ओके? सबसे पहले आपको क्या करना है मेडिटेशन में, अपने घर पे बैठना है, आलती पालती मार के, बैकबोन सीधी करके, और आँख बंद रखना है अपने, और बाहर की आवाज़ को नहीं सुनना है। बाहर की आवाज़ को ना सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कानों में ईयरप्लग लगाने पड़ेंगे। ईयरप्लग आप अपने ईयरफोन वाले भी लगा सकते हैं, और ये ईयरप्लग मेरे पास जो रखे हैं आप ये भी लगा सकते हैं, दीज आर दोज ईयरप्लग। खोल के दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये वाले ईयरप्लग मेरे पास हैं, ये मेरे को 15 रुपीज़ के लिए थे मैं स्टोर पे से। और अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो आप काफ़ी मंगाओगे, 4 या 5 पेयर मंगाओगे तो आपको वहाँ से सस्ते मिलेंगे, अगर नहीं मंगाओगे तो 1150, 115 और 150 और 160 के कुछ ज़्यादा महंगे देते हैं वो लोग अमेजोन से। तो आप ये किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, ओके? इसको करना क्या है मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। इसको यहाँ से जैसे सीधा इसको हल्का सा ऐसे रोल करके, और थोड़ा सा रोल करने के बाद यहाँ से पकड़ के कानों में अंदर ले जा करके छोड़ देना है, ओके? आपके दोनों कानों में इसको ऐसे लगाना है, आपकी बाहर की आवाज बंद हो जाएगी। बाहर की आवाज तो बंद हो गई। नंबर दो, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उल्टी गिनती गिननी है, जीरो, 10 से लेके 0 तक का, और अपनी बॉडी को धीरे 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 शांत करते जाना है, धीरे धीरे शांत करते।
शांत करते जाना है बॉडी को। हमारी यही प्रॉब्लम, हम छोटी आवाज़ नहीं सुनते, छोटी से छोटी आवाज़ भी सुननी है, मन में बोलना है ऐसे नहीं कि टैन बहुत जोर से, आराम से मन में बोलो और जीरो तक का जाओ, सब चीज़ छोड़ दो। ओके, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद अब आपको ऑब्जर्व करना है। बाहर की साउंड तो आपको सुननी हो गई बंद, ठीक है, अंदर की साउंड सुननी है, इनर वॉइस। इनर वॉइस कैसे सुनोगे, सुनेंगे हम, इनर वॉइस है क्या, कौन सी इनर वॉइस सुननी है, कन्फ्यूजन काफ़ी है, कॉम्प्लिकेटेड बनाना मत, क्योंकि मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली। हार्ट बीट, पल्सेस, कहाँ पे भी आपके सेंसेशंस होती हैं, जो ब्लड, मतलब ऑब्जर्व करना है अपनी बॉडी को, आपकी हर एक बॉडी पार्ट में सेंसेशन होती है, उनको ऑब्जर्व करना है, सेंसेशन छोड़ो। और दूसरी हार्ट बीट्स और सांस लेने की आवाज़, ये दो तो कॉमन है, ये तो सुन ही सकते हो, इनके पास ये सुनना है। अब आप कहोगे कि यार मेरे माइंड में तो कंटिन्यूअस थॉट आ रहे हैं, माइंड ब्लैंक होना मेडिटेशन है, मोस्टली कहते हैं जब माइंड ब्लैंक है तो वो मेडिटेशन है। जी नहीं, आप फिर गलत जा रहे हो, माइंड को ब्लैंक करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड अपने आप ब्लैंक हो जाएगा जब आप इन आवाज़ों की तरफ ध्यान दोगे। तो अगर माइंड में थॉट आएंगे भी ना, तो उनको रोकने की कोशिश मत करना, जो आएगा उसको देखते रहना है, आराम से बस देखते रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, थॉट्स को देखते रहो, माइंड में जो भी कुछ आ रहा है उसको एजिटेड बड़े आराम से देखते रहो, और देखने के बाद वो आपको, आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, आपका ध्यान वहाँ से हट के सांसों पे ही आ जाएगा। ओके, जो बात आपको ध्यान रखनी है वो सुन लीजिए, अपने राइट माइंड से ही वो आवाज़ों को सुनना है, राइट साइड से सुनने की कोशिश करना है। ओके, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाली ब्रेन है उसकी प्रोसेसिंग हमारे राइट साइड करती है और इसका अपोजिट। ओके, तो राइट साइड से ही सुनना है, ठीक है। अब ये सब चीज़ हो गई, अब अगले आगे आगे आते हैं हम, मतलब कितने टाइम तक बैठना है। मेडिटेशन कभी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है, आपका जितना मन कर रहा है, 10 मिनट कर रहा है तो आप 5 मिनट करिएगा, क्योंकि कल के लिए कुछ छोड़ना है हमें, आज ही सारा ख़त्म नहीं कर देना है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत करिएगा, आगे आप जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वो 5 से 6 से 10 से 15 मिनट से 1.5-2 घंटे अपने आप बढ़ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोरिंग नहीं बनाना है, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है, अगर आप इस चीज़ को इंटरेस्ट से करोगे, इंटरेस्टिंग बनाए करोगे, तो यू विल बी ग्रो इन मेडिटेशन, आप मेडिटेशन को ग्रो हो गया, आप आगे कुछ अचीव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हम कहीं पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, तो अब इससे आगे का प्रोसेस है, जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओ, आपको अंदर की आवाज़ सुनने लग जाए, तो धीरे धीरे एक एक करके इन आवाज़ को छोड़ते जाना है, इनको पकड़ना नहीं है, नई आवाज़ सुनने की कोशिश करते रहना है। अंदर एक सुर है, पूरा का पूरा म्यूजिक है अंदर, उसमें से आइडेंटिफिकेशन करनी है वॉइसेस की। ओके, तो ये कैसे होगा, मींस हार्ट बीट सुन रही है उसके ऊपर ध्यान दो, दूसरे की ऑब्जर्वेशन करो कि कोई दूसरी आवाज़ आ रही है, इसको छोड़ो दूसरी को पकड़ लो, दूसरी को छोड़ो तीसरी को पकड़ लो, परमानेंटली किसी को नहीं पकड़ना है, आवाज़ को चेंज करते रहना है अंदर, मतलब बिल्कुल रूट कॉज में जाना है। ओके, अब एक सिंपल सा आपको डाउट क्लियर कर दूं, मन में थॉट्स आएंगे, उनको देखना है, इसको कभी भी रोकने नहीं है। अगर आपको थॉट्स के ऊपर ही काम करना है, वो भी मेडिटेशन है, किसी भी काम को उसी टाइम करना, उस मतलब आपका ध्यान कहीं भी नहीं जा रहा, वो भी मेडिटेशन है मेरे लिए। मेडिटेशन ये नहीं है, पढ़ रहे हो तब भी मेडिटेशन में है, और कुछ कर रहे हो तब भी मेडिटेशन में है, कुछ भी कर रहे हो तो मेडिटेशन में हो। यस, आप किसी काम को करते टाइम, सिर्फ उसी काम को अगर कर रहे हो, दैट यू आर इन ए मेडिटेशनल स्टेट। ओके, थॉट्स को रोकना नहीं है, हाँ मैं आपको बता रहा था, थॉट्स को रोकना नहीं है। अगर आपके थॉट्स के ऊपर ही मेडिटेशन करना है, आप सोच रहे हो मुझे थॉट्स ज़्यादा आते हैं, तो थॉट्स को देखना शुरू कर दो, आंख बंद करो आराम से बैठ के, कहीं पे भी, वेयर एवर यू आर, वेदर यू आर इन ए वेयर एवर, इन्हें कहीं पे भी आप हो, आंख बंद करिए, अपने माइंड में देखिए चल क्या रहा है फिलहाल, और उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। यस, फनी, इंटरेस्टिंग है, मजे आएंगे आप लोगों के, ऑब्जर्व करना शुरू कर, देखो क्या क्या चल रहा है, फिर एक किसी थॉट को पकड़ो, उसकी रूट कोज में चले जाओ, क्वेश्चन मार्क लगाते लगाते कि यार पप्पा की डेथ हो गई, क्यों भाई, क्या पप्पा एक रोल प्ले कर रहे थे मेरे पापा होने का, या पापा सच में ही थे, पापा सच में फिजिकली थे, पापा मेंटली थे, हम दोनों जुड़े हुए थे, फिर भी हम, मतलब इतने हद तक क्वेश्चनिंग करनी है अपने आप से, ताकि दर्द का कहीं कुछ भी 1% कण भी ना बचे आपकी बॉडी में। तो इससे बड़ी ही अच्छी आपको ये भी एक मेडिटेशन है, गोइंग इनटू द रूट कॉज ऑफ थॉट्स इज आल्सो अ मेडिटेशन फॉर मी। ओके, डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग
एट प्रेजेंटली मीन्स मैं कुछ भी कर रहा हूँ बस वही कर रहा हूँ मेरे लिए, तब भी मेडिटेशन है। मैं अपने माइंड में जो चल रहा है उसको देख रहा हूँ, वो भी मेडिटेशन है। ओके, ये सब मेडिटेशन के पार्ट है। हमें मेडिटेशन वो नहीं है कि ओम 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 जपना, क्योंकि जब आप अपने मन से कुछ भी बोलते हो तो आपके माइंड में सेम टू सेम इमेज क्रिएट हो जाती है, और क्रिएट होने के बाद आपका ध्यान वहाँ से हटना ही हटना है, तो बोलने के बाद भी। और इससे अच्छा है जो आप प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट सिचुएशन में हो, जहाँ पे भी हो उस सिचुएशन को ही देख लो, वो भी मेडिटेशन है। प्रेजेंटली सिचुएशन में देखना हम मेडिटेशन है। ओके, स्टार्टिंग में हमें यही करना है जो मैंने बताया, बैठना है आसन लोटस पोजीशन में, आलती पालती मार के बैकबोन सीधी करके और गर्दन सीधी करके। नीचे को करोगे तो नींद आएगी, ऊपर को करोगे तो आपको सिर में दर्द होगा। ठीक है, थॉट्स को रोकना नहीं है, थॉट्स नहीं रोकना है, प्लीज़ थॉट्स को मत रोकना। ओके, थॉट्स नहीं रोकना, थॉट्स अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे जब आप अंदर की आवाज़ें पे अंदर की आवाज़ राइट साइड से सुनोगे। ठीक है, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, राइट साइड से सुननी है अंदर की आवाज़ें। ओके, तो थॉट्स माइंड डाइवर्ट अपने आप हो जाएगा वहाँ से, ये एक हो गया। ठीक है, अब थॉट्स आ रहे हैं फिर भी नहीं रुक रहे, थॉट्स को देखना शुरू कर दो कभी भी कहीं भी, वेयर एवर यू आर, कहीं पे भी मेडिटेशन डाल की आदत कर दो। मतलब आप कहीं पे भी वो फ्री हो तो आंख बंद करके थॉट्स देखना शुरू कर दो। बेस्ट फिल्म देखनी है अपनी लाइफ की, देन वॉच द मूवी ऑफ योर माइंड, अपने माइंड की मूवी देखो। इससे इंटरेस्टिंग कोई मूवी आज तक बनी नहीं होगी आपकी लाइफ में। आप ऐसे ऐसे जब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और आप उस लेवल को अचीव करोगे यू कॉन्ट इवन इमेजिन एंड यू कॉन्ट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकता ना मैं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे एक्सपीरियंस को। कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा कुछ दिन बाद मेरे यहाँ पे आके। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई एकदम तभी कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग, गिविंग टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को।